हंसना हंसाना जरूरी है पर जिंदगी को हंसी में उड़ाना अच्छी बात नहीं इश्क मोहब्बत इबादत है जनाब इसे सरेआम करना अच्छी बात नहीं अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे उम्र का सिर्फ लिहाज किया जाता है लेकिन इज़्ज़त हमेशा मैच्योरिटी की की जाती है जो इंसान जितना ज़्यादा मैच्योर होगा उसकी सोसाइटी में उतनी ही ज़्यादा इज्जत होगी उतनी ही मान मर्यादा होगी उतनी ही प्रतिष्ठा होगी तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो एक इंसान को मच्योर या इमच्योर बनाती हैं तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पॉइंट नंबर वन है बातचीत करने का सही तरीका बातचीत करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं या बिल्कुल इमेच्योर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसने कुछ गलत कर दिया वो आपके साथ का है या आपसे उम्र में छोटा है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे कि देखो इतना बड़ा हो गया बिल्कुल भी समझदारी नहीं है इसको कोई काम करना नहीं आता अगर कोई उम्र में बड़ा है तो क्या कहेंगे तो यही कहेंगे इतनी उम्र गुजार दी मगर आज तक इस इंसान को कुछ भी काम करने का तरीका नहीं आया तो अगर आप इस सिचुएशन में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप कितने इमेच्योर पर्सन हैं लेकिन अगर आप एक मच्योर पर्सन हैं, तो इसी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे इस बात को समझ लीजिए तो देखिए अगर कोई आपसे उम्र में छोटा है या आपके साथ का है और उसने कुछ गलती की है तो आप कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे जलील नहीं करेंगे बल्कि आप उसकी गलती को बहुत ही सुंदरता से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर उसने गलती की है तो आप हमेशा यही कहेंगे अरे ये गलती तुमने की है ना इसको ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे करने से ये काम बहुत ही अच्छा होगा और अब अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है आप उससे ये कहेंगे कि भाई आप ये छोड़िए काम इस काम को हम कर लेंगे इससे क्या होगा एक तो काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको किसी की बेजती भी नहीं करनी पड़ी और सामने वाले को ये लगेगा कि देखो इस इंसान ने कितनी समझदारी से इस काम को हैंडल किया इससे उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत आ जाएगी तो बेसिकली इसे ही कहते हैं कि मेच्योरिटी से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना चाहे आपकी उम्र कम है या आपकी उम्र ज़्यादा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसी तरह से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो आप लोगों के दिलों में जगह बना ही लेते हैं पॉइंट नंबर टू मच्योर लोग कभी भी अपनी लाइफ का तमाशा नहीं बनाते जबकि इन लोग तमाशा बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं तो इस बात को समझने के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं देखिए हर इंसान पॉपुलर होना चाहता है पैसा भी कमाना चाहता है लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि उसे कौन सी चीज़ें दिखानी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए देखिए मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने पर्सनल रिलेशन पर्सनल मोमेंट्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं वीडियोस के थ्रू जिससे क्या होता है कि पैसा तो मिल जाता है लोग देखते भी हैं एंजॉय भी बहुत करते हैं लेकिन क्या ऐसे लोगों की कोई इज़्ज़त होती है ऐसे लोगों को कोई भी इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखता और ऐसे लोगों की ज़िंदगी सिर्फ तमाशा होती है और तमाशे को हर इंसान खूब इंजॉय करता है और यही कारण है कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा इमेच्योर कहलाते हैं दूसरी तरफ जो लोग मच्योर होते हैं वो पर्सनल का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो जानते हैं कि पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल यानी कि निजी जो चीज़ें आपकी अपनी हैं वो दूसरों को क्या दिखाना इसीलिए जो मच्योर लोग होते हैं वो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने में यकीन नहीं रखते हैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी कि ये कहा जाता है कि इंसान को पढ़ाया लिखाया इसलिए जाता है ताकि वो लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मच्योर बने समझदार बने और हर काम को बहुत ही समझदारी से करे लेकिन आज सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि पढ़े लिखे हैं अच्छी पोजीशन पर हैं अच्छा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा उछालते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करके अपने आप को एक बहुत ही छोटा और इमेच्योर साबित करते हैं तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप मैच्योरिटी और इम के डिफरेंस को समझिए अगर आपको लाइफ में मच्योर बनना है तो आपको ऐसे इमेच्योर लोगों को ना तो फॉलो करना है और ना ही इनके जैसे काम करके खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है पॉइंट नंबर थ्री मैनर्स देखिए मैनर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपसे इतना जरूर कहूँगी कि मैनर्स का मतलब सिर्फ तमीज़ से खाना पीना उठना बैठना इतना ही नहीं होता मैनर्स जो हैं वो आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं आपको किसी से बातचीत कैसे करनी चाहिए किसी के घर जाएं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए कोई आपके घर आए तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए आप बस में हैं ट्रेन में हैं स्कूल में हैं कॉलेज में हैं या ऑफिस में हैं आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए ये आपको पता होना ही चाहिए अगर आप ये सारी बातें जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक मच्योर इंसान हैं और अगर आप में ये सारी क्वालिटीज नहीं हैं तो आप ऊपर से अपने आप को कितना भी पॉलिश कर लें आप एक इमेच्योर पर्सन ही रहेंगे नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग मच्योर पर्सन जो है वो गुड लर्नर होता है उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है जबकि एक इमेच्योर पर्सन में सीखने की क्षमता बहुत कम होती है फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति किसी एग्जाम में फेल हो गया किसी बिजनेस में फ्लॉप हो गया या लाइफ में कैसे ना कैसे वो फेल हो गया तो ऐसी सिचुएशन में एक मैच्योर और इम कैसे हैंडल करेगा तो ऐसी सिचुएशन में जो इमेच्योर लोग होंगे वो कैसे डील करेंगे देखिए पहली चीज़ तो कि वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते दूसरी चीज़ वो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत ही ख़राब थी इसीलिए उनके साथ में ऐसा हुआ एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए देखिए अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनको कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे और जब आप अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करेंगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमेशा ही आप फेलियर ही रहेंगे और ऐसे में क्या होगा रोना और डिप्रेशन ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा ऑन द कॉन्ट्री जो मैच्योर लोग होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में जो अपने फेलियर्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों को करेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जिससे वो अपने आप को विनर साबित कर ही देते हैं और मैच्योरिटी का मतलब ही ये है कि जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखिए और ख़ुद को बेहतर बनाते जाइए लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिसनिंग जो मैच्योर लोग होते हैं वो गुड लिसनर होते हैं जबकि इम लोग बहुत ही पुअर लिसनर होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इम लोग किसी से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं वो सिर्फ अपनी बात को सुनाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं अगर वो किसी ग्रुप में बैठे हैं पंद्रह मिनट किसी से मिले हैं या बीस मिनट मिले हैं तो वो चाहेंगे कि इस पंद्रह बीस मिनट में वो अपने ही बारे में बात करते रहें वो सामने वाले को बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं देते हैं जबकि जो मैच्योर लोग होते हैं वो पहले दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद वो खुद बोलने की कोशिश करते हैं तो ये जो लिसनिंग की क्वालिटी है ये आपको धैर्यवान दिखाती है कि आप में कितना ज़्यादा धैर्य है कितना पेशेंस है कि आप लोगों की बातों को आसानी से सुन सकते हैं क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा पेशेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा मेच्योर होगा और उतना ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होगा इसलिए अगर आप मेच्योर बनना चाहते हैं तो पेशेंस का साथ कभी ना छोड़ें तो ये थी वो पांच बातें जो आपको मेच्योर या इम साबित करती हैं चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि इम किसी को पसंद नहीं आती है फिर चाहे इमेच्योर प्लांट हो फूड हो कोई रिश्ता हो काम हो या लाइफ हो इसलिए अपने आप को मच्योर बनाइए ताकि आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो सके आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत